लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Two more required now. Rahul Dravid on strike. He's on 40. The partnership's worth 95. Short ball. Has he put it away? Yes, he has. Yeah! That's it. Yeah! And you've done it. Papa. ये बुद्धदेव जी लंदन से। लंदन से आई आई लॉर्ड्स आई आई क्रिकेट का मक्का है आई आई लंदन कोल्ड वेदर स्विंगिंग बॉल तो आप भी बहुत क्रिकेट देखते होंगे नहीं आप भी रिटायर्ड है मेरी तरह सुनो भजन भोजन एंड भाजी भाजी हरभजन सिंह भाजी भाजी नहीं जी नहीं मैं एक शेफ हूँ लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है दैट्स नाइस नाइस वेरी नाइस गांधी जी यू नो गांधी जी ने भी यही कहा है कि इंसान को आखिरी दम तक काम करते रहना चाहिए टिल इज लास्ट ब्रेथ ये अनफॉर्चुनेटली बुद्धा साहब ये मेरा तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो अब आप कैसे हैं ए बुद्धा साहब इस उम्र में तो शरीर सेकंड हैंड एम्बेसडर की तरह होता है कभी कार्बोरेटर में कचरा कभी सस्पेंशन में लफड़ा तो बार बार सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता है हमारी उम्र में तो बीमारियों की लंबी लाइन लगी रहती यू नो इट एक बार इसकी शादी हो जाए ना बाद में अपनी बची खुची जिंदगी एकदम फ्री माइंड से गांधी बापू के आदर्शों पे चलने में लगा दूंगा बस मैच कौन सा चल रहा था बकवास वनडेज इतने वनडेज चलते रहते बुद्धा साहब की पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ खेल रहा है रंग बिरंगी पजामे पहन के सर्कस बना दिया है क्रिकेट को ये वनडे मैचेस में असली क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट Five glorious days. Five days. दरअसल मैं नीना से अरे हाँ नीना बुद्धा साहब को अपनी अदरक वाली चाय पिला बोला है पापा बुद्धा साहब हमारी उम्र में अदरक वाली चाय पीनी चाहिए एवरी डे स्टमक मस्ट बी वहां दो स्टमक मस्ट बी सॉलिड लाइक राहुल द्रविड़ अ वॉल सॉलिड लीजिए ना चाय So the real cricket is the test cricket. आपने देखा होगा 1961 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया याद आया कॉलिन काउड्री रिची बेनो देखा था आपने मैंने नहीं देखा अरे हाँ हमारे जमाने में टीवी कहाँ था देखने के लिए मैं बीबीसी के रेडियो कमेंट्री की बात कर रहा हूँ Isn't it? जॉन आर्लॉर्ड ब्रायन जॉनस्टन दैट वाज द रियल कमेंट्री इम्पेकेबल इंग्लिश राइट वर्ड्स है ना बेटा हाँ पापा 1961 में तो तू पैदा भी नहीं हुई थी सॉरी 61 में मैं भी कुछ 13-14 साल का रहा हूंगा और आप जी पापा चाय ठंडी हो रही है अब चाय लीजिए ना प्लीज सो हाउ इज योर वाइफ एंड किड्स एंड एवरीबॉडी सब लंदन में सब सेटल हो गए होंगे बच्चों के बच्चे भी हो गए होंगे नाम क्या रखा है पोते का जी मेरी शादी नहीं हुई अभी तक क्या गांधीवादी बाप है तेरा क्या से क्या बना दिया मुझे जब भी मुंह खोलता हूं उससे कुछ बोलने के लिए मुझे याद दिला देता है कि मैं उसकी उम्र का हूं कैसे आखिर कैसे कहूं मैं उसको क्या करूं मैं हूं उसकी उम्र का क्या कर सकता हूं नहीं हो तुम उनकी उम्र के मतलब ही इज जस्ट 58 58? या मुझसे 6 साल छोटा या और मैं उसकी बेटी नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकता अब तो मुझे भी शर्म आ रही है तुम ही बात करो ना उससे तेरा बाप है वो अच्छा इधर आओ क्या इधर आओ ना 58 इस पिलर के सामने खड़े हो जाओ हाँ खड़ा तो हूँ यहाँ अंदर इधर आओ कौन अब अपने हाथ मिलाओ एक दूसरे से ऐसे नहीं पलट जाओ अब रिवर्स ये अशोक का पिलर है जानते हो कहते हैं कि यहाँ अगर खड़े होके अपने हाथ छू लोगे ना एक दूसरे से तो मन में जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी नॉनसेंस ट्राई तो करो ना ढूंढ ढूंढ के एक मई मिला था क्या तुझे
मुझसे ज्यादा जवान आदमी है, उनको पकड़ना था ना। सब लड़के हैं घासपूस, और लड़कों को आदमी बनने में वक्त लग जाता है, कभी कभी ज्यादा ही लग जाता है। 64 साल लग जाते हैं, क्या करूं? टच मेरी तो यही इच्छा कि तू अपने बाप से बात कर। अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, तुम्ही को बात करना पड़ेगा मेरे पापा से। Tell your papa to go take a walk here. 6 बजे walk. कल कमाल कर दिया यार। अरे धोनी जैसा कोई नहीं। जयराम 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 आपने सलीम दुरानी का मैच देखा है? He used to hit 6 on demand. Oh yes, Prince what Salim. A batsman. And that too left hand. On demand he used to hit. Yeah. What a batsman. Yes, yes. Buddha tha. Hello. Good morning. Good morning. Namaskar. Mr. Agarwal, Mr. Jain, Mr. Chopra, Buddha sahab. पिछले 27 ईयर से एवरी डे मॉच 27 ईयर 16 जैन पिछले 27 ईयर से एवरी डे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है विदाउट फेल आपका भी होगा ऐसा लंदन में सीनियर सिटीजन क्लब नहीं आपके चश्मे का पावर कितना है पावर चश्मे का पावर ये डिजाइनर क्या है कि ये चश्मे निकाल के सुबह सुबह नंगे पैर आप हरी घास पे चलिए देखिए पावर कम हो जाएगा लगता है उम्र के साथ साथ बुद्धा साहब भी अंधविश्वासी हो गए नंगे पैर हरी घास पे दौड़े ये देखिए सुबह सुबह जी भरकर हमने भी जिया जवानी लेकिन उस जवानी का एक मतलब था एक मकसद था देश के लिए कुछ करना या ऐसा नहीं पहले बाप के पैसे से फास्ट फूड खाओ फिर बाप के पैसे से नाइकी शूज खरीदो और दौड़ो ये है फिटनेस इंपोर्टेड फिटनेस इंपोर्टेड निना को भी यहाँ का एक भी लड़का पसंद नहीं ना मुझे तो लगता है कि लड़का इंपोर्ट करना पड़ेगा वो नीना के बारे में ये एक बात करनी थी एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेड दामाद जमाना बदल रहा है हमें जमाने के साथ साथ चलना होगा हाँ साथ साथ ही चलते आइए चलिए आइए एक जमाना था बुद्धा साहब की विदेशियों को भगाने के लिए इस देश के लाखों लोगों ने सत्याग्रह किया हाँ और आज ये जमाना है कि विदेश जाने के लिए लाखों लोग सुबह 5 बजे से बिना कुछ खाए पिए वीजा की क्यू में खड़े रहते बिल्कुल सही बात है ये विदेशी क्रेज कब जाएगा और कैसे जाएगा गांधी जी तक का रोल करने के लिए हमें इंपोर्टेड बैन किंग्स ले चाहिए भाई हमारे पास नसरुद्दीन शाह नहीं है क्या जी मैं आपका दुख समझ सकता हूँ लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है बुद्धा साहब कि मैं बापू को नहीं देख पाया वो जनवरी में शहीद हुए और मैं फरवरी में पैदा हुआ आपने तो जरूर देखा होगा लकी यू लकी गांधी जी को ही क्यों गांधी जी के दादाजी को भी देखा मैं तो मेरे वर्सांची ग्लासेस मेरे कूल वर्सांची ग्लासेस तेरे बाप को बुढ़ापे का चश्मा दिखाई देता है अच्छा सच्ची बताओ मुझे इंप्रेस करने के लिए ही उस दिन कॉमेडी थिएटर आते आते खरीदा था ना नहीं हाँ नहीं नहीं तब तो 100% हाँ नहीं माँ होती तो एक दिन में बुड्ढे को ठीक कर देती तुम्हारे यही वक्त मिला था हरिद्वार जाने का माँ ये तुमने बताया नहीं अरे आजा मेरी गड्डी में बैठ जा क्या लग रही है तेरी जात का पैदा मारूं ए क्या कहता उन्हें चल देखे साले को चल गो भाई चल चल बुड्ढे को देखते चल 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 ये लोग इधर आ रहे हैं यार चलो निकल नो 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 वेट वेट चलो ना नो नो वेट चलो ना वेट वेट Ram.
जब तक मेरी आवाज है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जब तक तुम्हारी आवाज है तुम मेरे बाप से बात करोगे। आपके पूछ पिताजी ने मेरा भेजा चाट चाट के दिमाग का दही बना दिया। चल दही पापड़ी चाट खाते हैं। चले ये लो जी। अरे भाई एक प्लेट टिक्की दे देना। मीठा है। ओ भाई साहब ये दही पापड़ी चाट है मिठाई का डब्बा मीठा है यार। ये लो सदा जी। कड़वा है। मैं दिखाऊं कैसे बनाते हैं? अंदर आऊं क्या? मैं अंदर आके दिखाता हूं ना। तुम घर आओ, घर पे बनाओ जो बनाना है। What an idea! खाना खिला खिला के बाप को पटाओ। ओके, लेकिन तुम उनकी पसंद जानते हो? मैं लंदन के सबसे बेहतरीन इंडियन रेस्टोरेंट का शेफ हूँ। I know my job. ओके? Just chill, baby. Yeah. Yeah. Just chill. I will. I know what my job is. You just watch. Watch what I do to your net. बुद्धा साहब ने तो कुछ काफी ताम झाम कर दिया है। क्या आ रहा है भाई? ले जा। हाँ? लौकी। बैंगन, आलू, मटर। गुड। बाकी सब डिश लेकर आइए। गेट एवरीथिंग और शुरू कर देते हैं। आ जाइए। बस यही नहीं है। लगता है आपका रेस्टोरेंट वेजिटेरियन है। वो चिकन विकन नहीं? नहीं, वो आप ये गांधी जी तो गांधीयन में पूरा हफ्ता हूँ वेजिटेरियन, सिर्फ एक दिन मंगलवार। अच्छा। और जब तक चिकन नहीं खाते लगता नहीं कि कुछ खाया है। पूरा वेजिटेरियन होने में अभी बहुत टाइम है। सिस्टम अपना स्ट्रांग है। लगता है बुद्धा साहब का सिस्टम जंग पकड़ लिया है। सीमा, ओ फ्रिज में कल का चिकन होगा, लेकर आना। हाँ जी। कैसा गांधी जी का भक्त है। गांधी जी कहा करते थे वेज खा वेज खा वेज खा। ये साला डायबिटिक बुड्ढा वेज खाने वाले को खाता है। बुड्ढा प्रॉब्लम नहीं है, बुद्धा प्रॉब्लम है। खिला मत पिला, आइडिया वाइडिया छोड़, सीधे से एक ड्रिंक पे बुला के सब बोल दे। अमरीश पुरी, प्राण, केन सिंह, वेट 69, मैंने तो विलन लोगों का विस्की भी पिया है। लाइफ में सब ट्राई करने का, लेकिन किसी भी आदत का गुलाम नहीं बनने का। एक बार गुलाम बन गए ना बुद्धा साहब तो फिर 200 साल लगते हैं आजादी पाने में। एक दिन चलता है, एक दिन से कोई गुलाम नहीं बनता। शुगर नहीं बढ़ता, शुगर नहीं बढ़ेगा। आपने आपको कभी अकेलापन नहीं महसूस होता? ऑलमोस्ट 25 साल हो गए नीना की माँ को गुजरे हुए। यस। और फिर उसके बाद किसी और को नहीं देखा? व्हाट? दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? नो बुद्धा साहब, क्या है कि हर उम्र का अपना एक मतलब होता है। अब देखिए, बचपन में खेलो, जवानी में ऐश करो, फिर शादी करके गृहस्थी का सुख लो, और बुढ़ापे में संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम टू गो, ऊपर जाने की तैयारी करो, दैट्स इट। दूसरी शादी? अब हमारी उम्र में शादी वादी का क्या फायदा? नो नो नो, नीना की चिंता रहती है ऑफ कोर्स। बुद्धा साहब, आप तो लंदन में किसी 35-36 साल के नौजवान लड़के को जानते होंगे, अ गुड लुकिंग बॉय, यू नो, तो नीना के बारे में सोचिए ना। हाँ? आप सोचिए, मैं बाथरूम जाके आता हूँ। टू मच ऑफ सोडा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं।
W, तीन बार W, टाइप करना होता है। स्काउंडल! कौन? वो कमीना तुझसे शादी करना चाहता है। डिस्कस्टिंग। मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। व्हाट? व्हाट? क्या बोले? तू उससे कैसे कर सकती है शादी? नहीं, मैं तुझे गलती नहीं करने दूंगा। अरे तेरे बाप की उम्र का है? नहीं, 6 साल बड़ा है आपसे। मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। मंजूर? लेकिन पूछ कौन रहा है आपसे? बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो मैं भी बता देता हूं, मेरे जीते जी ये नहीं होगा। तो कब जा रहे हैं आप? पापा, अगर आपका दामाद आपकी उम्र का है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है वो आपके पैर नहीं छुएगा? छुएगा ना पापा, आपको पापा कह के नहीं बुलाएगा? बुलाएगा। मैं तेरे बारे में सोच रहा हूं, तेरे बारे में सोच रहा हूं मैं। देख बेटे, वो कितना जिएगा? 5 साल, 10 साल, फिर? पापा, मैं बुद्धा को चाहती हूँ, उसकी उम्र को नहीं। किसी के साथ 50 साल बिना प्यार के जीने से तो अच्छा है कि मैं उसके साथ 5 या 10 साल जीऊं जिससे मैं प्यार करती हूँ। और वैसे भी किसको पता है पापा कि कौन कितने साल जिएगा? मम्मी तो आपसे छोटी थी ना, वो गई ना आपसे पहले। जस्ट शट अप, ओके? तू अपनी उम्र के लड़कों के साथ तो खुश नहीं रहेगी? पापा, उम्र 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 क्या उम्र पापा? अब मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरी उम्र का नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे नसीब में यही है। अब आप इसे मेरा बैड लक समझिए या कुछ भी समझिए, चलिए खाना खाते हैं। नीना रुको, नीना रुक जाओ, मैं कहता हूँ। नीना, घासपुस, क्या हुआ? तो मैं तुम्हारा बैड लक हूँ? घासपुस, क्या बैड लक? बैड लक वो तो मैंने बात को हल्का करने के लिए कह दिया था, मुंह से निकल गया बाबा। भारी सच, हमेशा ऐसे ही बात को हल्का करने के लिए मुंह से निकल जाता है। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बाप से 6 साल बड़ा हूं। सच तो ये है कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 34 साल की है। सच तो यह है कि औरत 34 साल तक जब अकेली रहती है तो वो उस अकेलेपन से घबराने लगती है। सच तो यह है कि उसी घबराहट की वजह से तुम्हें लगा कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो 2 साल के बाद मुझे वो भी नहीं मिलेगा जो मुझे आज मिल रहा है। हमारे रिश्ते का भारी सच यही है। और हल्का सच यह है कि आज भी तुम्हें बड़ी आसानी से मुझसे ज्यादा जवान आदमी मिल सकता है। तो जाओ जाके किसी अपनी उम्र के लड़के से शादी कर लो। किसी को जानते हो? कोई फोटो? फोटो है तुम्हारे पास? मैं जा रहा हूँ। Come on, घासपुस, what is this, या? पापा जी, खाना लगा दूँ? खाना? अब तो एक बूंद पानी भी तभी अंदर जाएगा जब वो उसे छोड़ देगी। खाना खाके जो नहीं किया जा सकता, भूखे रहकर किया जाएगा। Come on, दीदी, पापा जी खाना नहीं खा रहे। Oh, hell! अच्छा, मैं आती हूँ। जाना पड़ेगा, पापा खाएंगे नहीं तो उनका शुगर लेवल सीरियस हो जाएगा। एयरपोर्ट प्लीज। एयरपोर्ट क्यों? क्योंकि ये होटल की टैक्सी लंदन तक नहीं जाती। जाओ जाके अपने बाप को खाना खिलाओ, जिंदा रहेगा तभी तुम्हारी उम्र का दामाद ढूंढ पाएगा। यहां सो किस लिए? किस्मत पे रो रही है क्यों? ओह,
एक 64 साल के आदमी पर आपने मेहरबानी की और उसने आपका एहसान नहीं माना। ए, चल।